सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जिला कारागार में सपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिला कारागार से वापस लखनऊ लौटते हुए सपा जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ एवं दक्षिणी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी किशन दीक्षित से सभी कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी ली थी। इसके पश्चात किशन दीक्षित ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अनुरोध किया था कि जिला कारागार में ऐसे कार्यकर्ता बंद हैं जो आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हैं एवं जमानत कराने में असमर्थ हैं। न्यायिक सहयोग के लिए आर्थिक मदद की आवश्यकता महसूस हो रही है। किशन दीक्षित के अनुरोध पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने ईवीएम प्रकरण में बंद सपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग करने के लिए किशन दीक्षित को लखनऊ बुलाकर चेक सौंपा। किशन दीक्षित ने बताया कि ईवीएम प्रकरण में बंद सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को चेक के माध्यम से 1-1 लाख रुपए सहयोग राशि जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। यह जानकारी पत्रकार वार्ता में सपा जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान एवं सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा दक्षिणी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी किशन दीक्षित उत्तरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्लू व कैंट विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पूजा यादव ने दी। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। क्या आज किसी कॉन्फ्रेंस में 8 मार्च को जिस प्रकार से ईवीएम प्रकरण को लेकर धांधली को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया था उसके बाद कार्यकर्ताओं को जो झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजा गया था, जेल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जब उनसे मिलने जाते हैं और उनके द्वारा देखा जाता है कि यहाँ बेगुनाह निरीह गरीबों को जेल में भेजा गया और गंभीर धाराओं में भेजा गया है और जिनके पास जमानत कराने तक के पैसे नहीं थे ऐसे लोगों को भेजा गया है, तो बड़ा द्रवित होते हैं और वो निर्णय लेते हैं। माननीय सुजीत यादव लक्कड़ जी थे तो उन्होंने इनसे कहा था कि बताओ इन कार्यकर्ताओं की मदद कैसे हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि अध्यक्ष जी ये गरीब कार्यकर्ता हैं, जमानत कराने में दिक्कत हो रही है, कुछ लोग ब्याज पे पैसे लेकर जमानत करा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकी आर्थिक मदद कुछ हो जाए, पार्टी की तरफ से मदद हो जाए तो इनको बड़ा सहयोग हो जाएगा। तो उन्होंने उसमें आश्वासन दिया था और वादा किया था ठीक है मैं ज़रूर इनकी पार्टी की तरफ से मदद कराऊँगा। तो समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता, उसी को अपना वादा निभाते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो जेल में बंद थे उनके 1-1 लाख रुपए का चेक देने का उन्होंने काम किया है। वो चेक हम सब कार्यकर्ताओं को घर जाकर वितरित करेंगे, इससे उनकी मरहम लगेगा, उनका हौसला अफजाई होगा जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। इसके लिए हम आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और हौसला बढ़ाने का काम किया। आगे नगर निगम का चुनाव नज़दीक है, किस तरह से जवाब देंगे? निश्चित तौर से जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में आपने देखा महानगर में 89,000 समथिंग वोट मैं पाता हूँ, दक्षिणी में जहाँ पर क्योटो उन्होंने दिखाया था, जहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर को उन्होंने दिखाया था, उसके बाद भी पब्लिक और जनता ने समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विश्वास रखते हुए ज़बरदस्त वोट दिया। उत्तरी के हमारे प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्लू साहब को 95,000 करीब वोट मिलते हैं, ये बहुत बड़ा जनाधारी वोट था जो जनता समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हुए वोट दिया था। पूजा यादव जी 63-64 हज़ार वोट पाती हैं, ये निश्चित तौर से पब्लिक ने अथा जन समर्थन प्यार इसने अपना दिया था वोट के माध्यम से, तो आप ये जान लीजिएगा वही प्यार वही समर्थन सभासदी चुनाव में भी जनता देने जा रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को। बाहुबली विजय सिंह एमपी एमएलए कोर्ट में पेश, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में विजय सिंह की कोर्ट में पेशी। वर्ष 2001 में उसरी चट्टी हत्याकांड मामले में हुई विजय सिंह की पेशी। बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमले का मामला, उसरी चट्टी कांड में 3 लोगों की हुई थी हत्या, मामले में बाहुबली विजय सिंह है मुख्य आरोपी। खबर गाजीपुर से, जहां बाहुबली विजय सिंह गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में मंगलवार को पेश हुए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में विजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। वर्ष 2001 में उसरी चट्टी हत्याकांड मामले में विजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। मामला बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमले का है। दरअसल हम आपको बता दें कि गाजीपुर के उसरी चट्टी कांड में 3 लोगों की हत्या हुई थी। मामले में बाहुबली विजय सिंह और त्रिभुवन सिंह मुख्य आरोपी हैं। मामले में गवाह रमेश राम की गवाही के बाद जिरह हुई। मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 13 सितंबर नियत की है। गाजीपुर से हसीन अंसारी की रिपोर्ट। वकील साहब, आज जो है विजय सिंह की पेशी हुई थी, पूरा मामला क्या क्या हुआ है?
एक रमेश नाम के गवाह की उनके केस में गवाही हुई है और उसमें उनके अधिवक्ता जो थे बाबू देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने जीरा किया है, क्लास एग्जामिनेशन किया है। ऐसे में क्या आज कुछ निकल कर क्या कोई अगली तारीख पड़ी है या क्या होगा? हाँ, अगली तारीख पड़ी है, कंटिन्यू हो गया है। अब इसमें 13/9 की तारीख पड़ी है। सर, आज मुख्य गवाह रमेश राम की भी पेशी हुई है? हाँ हाँ, उसी की जीरा हुई है, उसी की जीरा हुई है और कंटिन्यू हो गया है, हो गया, सीजीएम अभी खत्म नहीं हुई। सीजीएम कोर्ट में भी गवाही होनी थी दूसरे मामले में। होटल लेवाना के बाद हजरतगंज में फिर लगिया ग्रेविटी कोचिंग सेंटर में भड़किया, स्टूडेंट समेत 100 लोग फंसे, दमकल कर्मचारियों ने बिल्डिंग से बाहर निकाला, बिल्डिंग सील। 4 मंजिला बिल्डिंग में चल रहे थे 8 कोचिंग सेंटर, वहीं कमिश्नर ने नाराजगी जाहिर की, बिल्डिंग सील। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है। लखनऊ वासियों पर आग बेरहम होकर इम्तिहान ले रही है। लखनऊ के लेवाना होटल का मामला तूल पकड़ा हुआ है कि इसी बीच हजरतगंज के कोचिंग ग्रेविटी सेंटर में आग भड़क गई। ये कोचिंग सेंटर कैलाश कला अपार्टमेंट में चलती है। जिस वक्त आग लगी कोचिंग में 100 से ज्यादा स्टूडेंट और स्टाफ मौजूद था। बच्चों ने घबराकर कोचिंग और खिड़कियों के कांच तोड़ दिए, पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया था। गनीमत रही कि समय रहते फायर ब्रिगेड पहुंच गई, दमकल कर्मियों ने बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं मामले की जानकारी होने पर लखनऊ पुलिस कमिश्नर SB सिरोडकर घटना स्थल पर पहुंचे। बिल्डिंग का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि बिल्डिंग का निर्माण कमर्शियल यूज के लिए लिहाजा से नहीं किया गया था, अग्निशमन के कोई इंतजाम भी नहीं किया गया, छोटे छोटे कमरे में क्लास चल रही है, खिड़कियां और इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं मिले। कमिश्नर ने कहा कि बिल्डिंग को सील किया जा रहा है, साथ ही शहर में संचालित हो रहे सभी शैक्षिक संस्थानों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। योगी राज में मुसलमान प्रधान प्रतिनिधि पड़ा भारी, 20 हिंदू परिवारों ने लगाया मकान बिकाऊ का पोस्टर। मुस्लिम प्रधानपति हर घर नल योजना के तहत हिंदू परिवार के घर को हटाकर लगाना चाह रहा है पानी का टंकी। खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है। कुशीनगर में ग्राम प्रधान पति से परेशान होकर गांव में 20 हिंदू परिवार अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। हम आपको बता दें कि हिंदू परिवारों का आरोप है कि 2 महीने से उन लोगों को जमीन से हटाने के लिए कहा जा रहा है। उनका आरोप है कि गांव के प्रधान मुस्लिम है। प्रधान पति कहता है कि ये सरकारी जमीन है, इसको तुम लोगों को छोड़कर जाना पड़ेगा। कोतवाल और चौकी इंचार्ज भी प्रधान पति का ही साथ दे रहे हैं। मामला रामकोला थाना क्षेत्र के सपहा गांव का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि इस गांव की आबादी 6000 से ज्यादा है। गांव के ये हिंदू परिवार करीब 20 साल से यहां रह रहे हैं। ये लोग खेत में मजदूरी करते हैं। गांव के लोगों ने अपने घरों के बाहर यह मकान बिकाऊ का पोस्टर लगा दिया है। उनका कहना है कि अगर हम लोग अपना मकान नहीं बेचेंगे तो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महफूज खान इसे गिरवा देगा, जो हमारी सारी मेहनत की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। इस मामले पर प्रधान प्रतिनिधि महफूज ने कहा कि गांव में पानी टंकी बनाने के लिए मंजूरी मिली है, इसका निर्माण कराने के लिए पहले से जगह चिन्हित है। 20 दिन पहले तहसील प्रशासन ने चिन्हित जगह से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था। गांव के किसी भी परिवार से मैंने जगह छोड़ने के लिए नहीं कहा है। मामले को राजनीति तुल देने के लिए हरकत की जा रही है। मामले की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे SDM, कहा कार्रवाई होगी। सोमवार की देर शाम इस गांव की तस्वीरें सामने आई थी। इसके बाद मंगलवार की सुबह SDM देवीलाल वर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने गांव के लोगों से मामले की जानकारी ली, साथ ही प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। कुशीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। खुदरा व्यापार को पूरी तरह से निगल रहा है ई व्यापार। खबर वाराणसी से। ई व्यापार के कारण चौपट हो रहे खुदरा व्यापार को पुनर्जीवित एवं ऑनलाइन व्यापार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार के प्रतिनिधि मंडल कंचल गुट के बैनर तले व्यापारी नेताओं ने संयुक्त नेतृत्व में हाथों में तख्ती बैनर लेकर अग्रसेन कन्या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बुनानाला के पास प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए मंडली अध्यक्ष विजय कपूर, मंडली महासचिव मुकेश जायसवाल, प्रदेश के वरिष्ठ महामंत्री अनिल केसरी, विशेष आमंत्रित सुधीर सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि देश में खुदरा व्यापार को ई व्यापार पूरी तरह से निगल रहा है। इसे अगर रोका नहीं गया तो देश में
के ज्यादातर दुकानें बंद हो जाएंगी। इससे जुड़े लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। हम आपको बता दें कि ऑनलाइन ट्रेडिंग से देश के 7 करोड़ व्यापारियों का व्यापार क्षतिग्रस्त हो रहा है। 100-200 का सामान भी ऑनलाइन ट्रेडिंग से खरीदा जा रहा है। हकीकत में ऑनलाइन व्यापार ने सब व्यापार को चौपट कर दिया है। अगर हम नहीं चेते तो हालत और खराब हो जाएगी। स्वीकार सब कर रहे हैं, व्यापार कम हो रहा है, वजह कोई नहीं जानना चाहता। हकीकत यह है कि आज की न्यू पीढ़ी अपनी जरूरत का अधिकतम सामान ऑनलाइन ही खरीद रहे हैं, किंतु इनमें हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किसी जमाने में ईस्ट इंडिया नाम की विदेशी कंपनी ने व्यापारी बनकर इस देश में घुसपैठ की थी और हमें गुलाम बना लिया था, और आज भी विदेशी ऑनलाइन कंपनी हमारे देश के व्यापार पर कब्जा कर रही है। उन्होंने बताया कि 100, 200, 500 की बचत के लालच में हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को दाव पर लगा रहे हैं। अतः देश के खुदरा व्यापार को बचाने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग पर सरकार द्वारा रोक लगाई जाए। ऑनलाइन ट्रेडिंग पर GST के अतिरिक्त 20% विकास कर लागू किया जाए तथा ऑनलाइन ट्रेडिंग के व्यापार के लिए पंजीकरण देना बंद किया जाए। ज्ञात हो कि इस समय हमारे देश में भारत सरकार की सहमति से कई बड़ी कंपनियां ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही है। वहीं बातचीत में नीची बाग बुनालाला व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप गुप्त, विशेषरगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि सुरसा डायन की तरह मुंह बाए ई कारोबार छोटे मझले व्यापारियों को निगलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। छोटे व्यापारी बड़ी सहजता से इसके शिकार होते जा रहे हैं। मंदी की वजह से टूट चुके व्यापारी कम मुनाफे में अपने माल को बाजार में बेचने के बाद भी जरूरत के हिसाब से कमाई नहीं कर पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विजय कपूर, मुकेश जायसवाल, अनिल केसरी, सुधीर सिंह, प्रदीप गुप्ता, अशोक गुप्ता, सुमित सर्राफा, पारसनाथ केसरी, डॉक्टर मनोज यादव, दिनेश सेठ, बच्चेलाल, प्रदीप जायसवाल, रवि टेलर, प्रदीप कुमार, राजेंद्र अग्रहरि, मुन्ना गुरु, श्याम दास गुजराती, पप्पू आदि लोग मौजूद रहे। जयपुरिया स्कूल के गोयल कैंपस में मुक्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। प्राचार्य डॉक्टर रीना पाठक ने स्वस्थ जीवन शैली का महत्व बताया। खबर लखनऊ से है। सेठ MR जयपुरिया स्कूल गोयल कैंपस 6 सितंबर मंगलवार को CBSE सहोदय स्कूल एसोसिएशन लखनऊ और गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल अस्पताल के सहयोग से स्कूल परिसर में मुक्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन स्वास्थ्य जांच और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। खबर चंदौली के से है। चकिया कोतवाली थाना अंतर्गत सहादमपुर गाय घाट में एक विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि सोनभद्र जिले के सुकरुत थाना अंतर्गत हरैया मधुपुर गांव निवासी संजय मौर्य की पुत्री पिंकी मौर्य के साथ विगत 2 वर्षों पहले चकिया कोतवाली के सहादमपुर निवासी रणजीत मौर्य के संग शादी हुई थी, जिनके पास 8 महीने का एक पुत्री भी है, जिसका मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां मृतकों के परिवार जनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। चंदौली से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। सतीश कुमार मौर्य। कहाँ के निवासी हैं आप? हम तो है मधुपुर जिला मोचरी आए हैं। क्या है मामला? यहाँ पे हमारे भतीजी का शादी हुआ था। कहाँ हुआ था? सिरमा के बगल में। कौन सा गाँव है? के बगल में। तो क्या हुआ है बेटी के साथ, भतीजी के साथ? अपने के साथ तो फांसी पे लटकी थी वो। क्या लग रहा था, क्या नहीं हुआ है पूरा बताए। हम देखे सर तो हमें तो लग रहा था कि वो अपने से नहीं लटकी है। उसको लटकाया गया। अच्छा, परिवार में पहले भी कुछ विवाद होता रहा था कि नहीं? परिवार में एक दो बार तो हम सुने थे, भाई लड़ाई झगड़ा कुछ चल रहा था, फिर इसके बाद कभी सुनाई नहीं दे रहा था। तो इसके जाना का मैं खबर गया 2 बजे रात में। इस घटना में पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस आई थी सुबह कम से कम 5 बजे। हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि भाई जो भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो उसको इंसाफ मिले। खबर वाराणसी से। इस समय जनपद वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चा चोरी की अफवाह जोरों से फैली हुई है।
जहां चार लोग बैठ रहे हैं, वहीं इस विषय पर चर्चा आम हो गई है। लगातार फैल रही अफवाह के बीच अचानक बीते दिनों बड़ा गांव थाना क्षेत्र के साधुओं को रोककर बच्चा चोर समझकर लोगों ने पिटाई भी कर दी थी। पुलिसिया जांच में पाया गया कि ये साधु ही हैं और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं। जनपद में बच्चा चोरी की अफवाह को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस तरह की अफवाह पर लोग ध्यान न दें, गलत पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। अफवाह फैल रही है कि वाराणसी ग्रामीण में कुछ एक चोर पकड़े गए हैं जो साधु हैं। ये अफवाह पूरी तरह से फर्जी है। वाराणसी ग्रामीण के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में कुछ साधुओं के बारे में अफवाह फैली थी कि वह बच्चा चोरी करते हैं, परंतु पुलिस पूछताछ में वह पूरी तरह सही लोग पाए गए जो साधु वेश में भिक्षा मांगने का काम करते थे। मैं इस अफवाह को पूरी तरह से खंडन करता हूं, ये फर्जी है और भ्रामक है। इस तरह की अफवाह न फैलाएं, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।